तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ इस तरीके का ट्यूटोरियल। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बिफोर आफ्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप लोग भी एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। जैसे जैसे मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, कुछ इस तरीके से आप लोग भी फोटो को एडिट कर पाओगे। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले आपको स्नैपसीड ऐप को ओपन करना है और पेंसिल वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करना है। यहाँ सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। उसके बाद जूम कर लेना है फोटो को कुछ इस तरीके से, और आपको एक एरिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से देख सकते हो यहाँ ब्राइटनेस जो है बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो आपको जो भी करना है यहाँ से आप लोग स्लाइड करके कर सकते हो। तो जितना जगह आपको यहाँ लग रहा है, जल्दी जल्दी मैं इसको कर ले रहा हूँ, आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर सारा हो चुका है। अब यहाँ मैं चिक पे कर दे रहा हूँ, आप लोगों को भी सारा यहाँ कंप्लीट कर लेना है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे फेस का मैंने यहाँ लगभग कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी कुछ इस तरीके से करोगे सारा कुछ यहाँ से, ब्राइटनेस जितना आपको लगे ठीक लगे उतना आप लोग कर लेना। उसके बाद चलो अब मैं आप लोगों को ब्लर करके दिखा दे रहा हूँ। तो अगर अदर बॉडी पार्ट्स भी आपका दिख रहा है जो ब्लैक दिख रहा है, उस पर टैप करके आप लोग यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा लेना, जिससे कि एक जैसा लगे फोटो। ऐसा ना हो कि फेस अलग और यहाँ पे जो भी बॉडी पार्ट दिखे वो अलग दिखे। तो देख सकते हो सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से सारा कुछ हो चुका है। अब तो चलो यहाँ से अब मैं आप लोगों को बैकग्राउंड को ब्लर करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाना फिर से पेंसिल वाले आइकन पे, और जैसे ही आप लोग आते हो देख सकते हो यहाँ से ब्लर वाले ऑप्शन पे यहाँ से टैप करना है। देख सकते हो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसको नीचे स्लाइड करोगे और यहाँ से ब्लर वाले ऑप्शन पे टैप करके देख सकते हो लेंस ब्लर का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है आपको। तो जो भी बैकग्राउंड को आपको ब्लर करना है कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ब्लर स्ट्रेंथ को कुछ इस तरीके से रख लेना है आपको, 47 तक रख सकते हो। आप लोग चाहो तो इसको ज़्यादा कम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर सारा कुछ कर ले रहा हूँ। आप लोग यहाँ ज़्यादा ब्लर करना चाहते हो तो ज़्यादा कर सकते हो, कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो पेंसिल वाले आइकन से आप लोग चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। तो आपको जैसा ठीक लग रहा है वैसा आप लोग यहाँ से कर लेना। यहाँ से करोगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे आपको दो एरो दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके यहाँ से इसको आगे पीछे कर सकते हो और इसको ब्लर को कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपको ब्लर करना सभी को आपको धीरे धीरे कर लेना। तो चलो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ब्लर कर लेना है। देख सकते हो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा सा करके जो भी यहाँ पे है सारा कुछ यहाँ कंप्लीट कर दिया हूँ। और यहाँ पे अब आप लोग देख पाओगे जो लास्ट का इफेक्ट है, आप लोग यहाँ देख पा रहे होगे कुछ इस तरीके से एडिटिंग करने के बाद हो जाएगा। इसके बाद आप लोग फिल्टर करोगे तो आप लोग देख सकते हो जो थंबनेल में है वैसा फोटो आप लोग एडिट कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा तो उस पर भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा।